प्रभु श्री वाल्मीकि जी के जन्म दिहाड़े नूं समर्पित जलंधर विच अज शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। जलंधर विच वख-वख थावां ते स्टेजां लगियां ने अते लंगर भी लगाए गए हन। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों मुख रूप दे विच शोभा यात्रा दे विच शिरकत की गई। स्टेज दे उत्ते संबोधन करदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आख्या है कि कल नूं ओह श्री राम तीर्थ जाके नतमस्तक होणगे। इस दे नाल ही उन्हां कहा कि उन्हां दा भी जन्मदिन कल ही है। उन्हां कहा कि ओह अपने आप नूं भागा वाला समझदे हन कि एडे वड्डे दिहाड़े ते इस ना चीज़ हस्ती दा भी जन्मदिन कल ही है। इस नाल ही उन्हां कहा कि कच्चे सफाई कर्मचारियों के मसले का भी जल्दी ही हल किया जाएगा, इसलिए कमेटी गठन करन दी भी गल कही है। मुख्यमंत्री एक फुलवाड़ी का प्रतीक है, पंजाब हर एक त्यौहार नूं सांझे तरीके दे नाल मनाया जाता है। इस शुभ यात्रा जो कि महर्षि भगवान वाल्मीकि जी के कन्नों जयंती है प्रकाश उत्सव है, उस सिलसिले जलंधर के बीच मनी खुशी है, खुशकिस्मत है सत्ता पत्र के दिता चाहे हैं। जो घर आए थे मैं उदो भी कहा कि मैं जरूर आऊंगा। भगवान वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण पढ़ के अमर ग्रंथ की रचना की, सारी दुनिया के बीच समाजिक मर्यादाव मानवता शांति का सुनेहा देने वाली जी रामायण है, दुनिया के कोने कोने च बहुत सारिया भाषावान जी है रामायण के ट्रांसलेशन हुई है। और संस्कृत के पहले कवि सन भगवान वाल्मीकि जी, उन्होंने संस्कृत के पितामा भी कहा जाता है। उन्होंने जिथे शांति की मानवता की गल की, उत्थे जिहड़े अधर्मी लोग ने उन्होंने विरुद्ध युद्ध की भी व्याख्या की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की सारी जीवनी जी है वो असि तो छोटे छोटे होंगे सी, जो टीवी पर रामायण देखते सी उदो तो यह ट्रैक्टर जेडे डायनमो या बैटरिया वरतते सी, क्योंकि लाइट ना चली जाए कहते ऐतवार को 9:30 बजे लोग अपने समाजिक फंक्शन भी रोक लेंगे, बरात भी रुक जा फिर यह कहा जाता है कि जितने बरात पहुंचोगे तो टीवी का प्रबंध किया जाए रामायण देखने। सो साड़ी जी पंजाब की सांझी वालता यह है, इतने भी आधुनिक भी इतने लोग आए नहीं, इतने भी हर धर्म का बंदा खड़ा, असी फुलवाड़ियां असी गुलदस्ता, और गुलदस्ता ओही चंगा लगता जिहदे च हर रंग का हर सुगंध का फुल होवे। इको रंग के फुलों का गुलदस्ता तुसीं ज्यादा देर देख नहीं सकते। तो साडे पंजाब का यह खूबी है कि सारे धर्मों का असीं सत्कार करते हैं। साडियां हनुमान जयंतियां सांझियां ने, साडे भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जयंतियां सांझियां ने, साडे गुरपुरब सांझे ने, साडियां ईदां सांझियां ने, साडियां संगरांदां सांझियां ने। सो यही साड़ी जी सोच है पंजाब के सारी भाईचारक सो कैम भी रखनी है। पंजाब के भगवान वाल्मीकि जी का बहुत बुरा संबंध है, सब कुछ जी की जी मुझली सिक्ख्या अमृतसर साहब विखे राम तीर्थ बड़ा वाला मंदिर है, मैं उत्थी जा रहा कल मैं उत्थे जाऊंगा, हूं मैं उत्थे जाके रहूंगा, कल मैं उत्थे दर्शन करूंगा, लख लोग उत्थे आके दर्शन करते हैं। तो साडा फर्ज बनता है बतौर गौरमेंट के तौर पर भी, एक इंसानियत के तौर पर भी, कि वाल्मीकि समाज में इस तरह इस वे मेरी सारी कैबिनेट है जलंधर तो महेंद्र भगत जी, डॉक्टर रमजोत जी, सरकार जी, साडे हरभजन सिंह जी की विद्यालय तो, और सारी जी वाल्मीकि जी सभा वो खड़ी है, जेडे हर कितने दिनों तो लगे होंगे इस शोभा यात्रा की तैयारी करनी अपने काम छ के।
और सब तो बड़ी गल जलंधर की वो शख्सियत जी हर धार्मिक फंक्शन से हर खुशी गमी के मौके से उन्होंने प्रभाव है कोई ना कोई मैंबर वालों मिल जाता है। मेरी मुराद है अभ्यास जी जेडे इस शहर की मैं कहना लाइफ लाइन जी है वो है लोगों का बिजनेसमैन नहीं है अखबार भी चलाते वो रफ्तार ने इस शहर में तो इतने भी मैं तो जलंधर जदों भी आया मैं तो दुगना तिगना प्यार मिला चाहे बाई इलेक्शन चाहे हुई है एमपी की चाहे बाई इलेक्शन हो गए जलंधर बेस्ट की चाहे कोई वैसे कोई फंक्शन चाहे इंडा के किसी प्रोग्राम से आइए जलंधर वाले जड़े ने वो हमेशा बात करके प्यार देते हैं और इसे प्यार की उम्मीद भी रखते हैं। और जलंधर जो तुम गल कही है कि अपना जो सफाई सेवा खाते के सीवे असी बारहों मशीन मंगा लिया ने हूँ वो जमाने लग गए कि सीवेज उतर के सफाइया करिए पक्का पता गैस जी सू उपर आऊगी या ना वो मतलब चाहते दुनिया चढ़ गई असं सीवेज बड़े फिरते हैं तो सानू अपडेट करना पड़ेगा ये। और उस कच्चे मुलाजमान की गल की है तुम उस कमेटी के मैंबर भी हो तुम सफाई कमीशन के चेयरमैन हो पर जी कमेटी ने फाइनल करना है कि उन्होंने जी जी उन्होंने रूल एंड रेगुलेशन की हो क्योंकि देखो समस्या जितने होगी हल भी होती होंगे तो पता है कि हो सकता है। मैं इलेक्शन वे मिले सारे मैं उन्होंने पूछा तुम दसो की चाहते हो सरकार का काम है सहूलत देना असि कोई कपड़े तक करने नहीं भ्रष्टाचार तक करना नहीं असि तो यह है रुपया लोगों का लोगों से लगे जो जरूरतमंद लगेगा तो ज्यादा पुन होगा तो इस करके अज की शोभा यात्रा की बहुत बहुत बधाई है और कल की प्रकाश उत्सव की और एक और गल मैं अपने आप को बहुत पसंद करना समझना इस बार कि कल प्रकाश उत्सव है मेरा जन्मदिन भी कल मैं तो अपने आप को इस किस्म का समझना कि नंद मथा टेक पूरा सारी दुनिया भगवान वाल्मीकि जी की जयंती मनाऊगी तो एक कुदरती कदम कभी कलैश हो जाता है नहीं तो नहीं नहीं मेरा मतलब मेरा दिन कल बड़े दिन में लड़ गया मेरा जन्मदिन कोई बहुत बड़ा भी एडी असि तो आम जो घर आए हुए हैं तुम खास मना रहे हो तो इन्ह का आशीर्वाद जोड़ा है गल गल दूजे की मदद करते हैं कितने भी चाहे कितने भी दुनिया के भीड़ पै जाए सब तो पहला साढ़े बंद हाथ आ गए हेल्प वास्ते चाहे लंगर पाना हो शोभा यात्रा करनी हो चाहे कितने कोई किसी किस्म की इंसानियत की लड़ पै जाए तो पंजाबी आप मूहे रहने हैं। और एक गल मैं ये भी कहना कि कई कई है जो धर्म के नाम से कोई करते राजनीतियां अभी उन्होंने चो नहीं है असं का कम आए हैं स्कूलों वाले हैं हस्पताल वाले हैं महिला क्लीनिक वाले हैं असं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हैं बिजली वाले हैं वो सब की लड़ है असं रोजगार वाले हैं वो सब की लड़ है। तो कौम को कबीलों में मत बांटिए लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए बहता दरिया है मेरा भारत देश इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। तो मैं इस कुर्बानी सजदा भी करना प्रबंधक की कमेटी का मैं धन्यवाद करना कि मेरे वर्गे निमाणे एडे वे महर्षि वाल्मीकि की जयंती के प्रकाश शोभा यात्रा वास्ते बुलाया हम मैं अमृतसर जाऊंगा कल मैं अमृतसर तो मेरे वालों जो तुम बुलाओगे मैं हाजिर होऊंगा जिन्हें कहो क्योंकि कोर्ट लगे हुआ करके जिन्हें मैं लिख के देखो कि चंदन है नाची खड़े है सारे थोड़े जो चाहिए चाहे कोई चौंक कोई भगवान वाल्मीकि जी के नाम से किसी ग्रांट नापना
ਤੋਲਣਾ ਜਾਂ ਮਾਪਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਚ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਕਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਹੱਕ ਪੱਤਰ ਕਹੋ। ਹੱਕ ਪੱਤਰ ਇਹ ਹੱਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹੋਗੇ ਪਰ ਵੀ ਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲੋਕੋ ਕੋ ਅਕਸਰ ਕਹਿਤੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ। ਲਾਜੀ ਲੋਕੋ ਕੋ ਅਕਸਰ ਕਹਿਤੇ ਸੁਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਤੋ ਫਿਰ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਫਿਲ ਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਮਿਲਤੇ ਰਹੇ ਤੋ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁਲਾ ਲਿਓ। ਹਾਂ ਜੀ, ਰਮਾਨ